खेसारी लाल यादव के लंदन वाले वीडियो को देख के बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि लंदन जाने में कितना खर्चा होता है ज़रा बताइए, और खेसारी लाल यादव इतने दिन से लंदन में कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे ज़रा ये भी बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि लंदन जाने में कितने खर्चे होते हैं, कितना खेसारी लाल खर्चा कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बात करें खेसारी लाल यादव के लंदन जाने का खर्चा, तो आप सबको तो पता ही होगा कि खेसारी लाल अपने परिवार के साथ लंदन गए हैं, और इंडिया से बाहर जाने के लिए जो सबसे पहले खर्चा आता है वो है वीज़ा का खर्चा। और एक आदमी के वीज़े का खर्चा लगभग अभी के समय में 6,000 रुपया है, और उस हिसाब से चार आदमी का आप जोड़ेंगे तो 24-25 हज़ार तो इनका वीज़े का खर्चा हो गया। दूसरा जो खर्चा है वो है टिकट का। इंडिया से लंदन जाने में एक आदमी का प्लेन का टिकट अभी के समय में 40-45 हज़ार है, मान के चलिए एक आदमी का 40,000 ही है, तो उस हिसाब से चार आदमी का टिकट का खर्चा हो गया 1,60,000 रुपया। जी हाँ, इंडिया से लंदन जाने में टिकट का खर्चा चार आदमी का लगभग 1,60,000 है, वो भी सिर्फ जाने का, और उसमें आने का भी जोड़ दिया जाए तो 1,60,000 प्लस 1,60,000 3,20,000 रुपया होता है। सब मिलाकर खेसारी लाल के चारों परिवार का आने जाने का लंदन का खर्चा सिर्फ टिकट का 3,20,000 रुपया होता है। रुको जरा, सबर करो, अभी तो उसमें होटल का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, शॉपिंग का खर्चा, घूमने का खर्चा तो ऐड किया ही नहीं है, अभी ऐड करके आप सबको बताती हूँ। बात करें होटल की, तो खेसारी लाल अपने परिवार के साथ गए हैं तो अच्छे होटल में ही रुके होंगे, और अच्छे होटल में रुकने का मतलब एक आदमी का लंदन में सिर्फ एक दिन का 10,000 है। जी हाँ, लंदन में अच्छे होटल में रुकने का मतलब है एक दिन का एक आदमी का 10,000 रुपया। अगर आप सबको विश्वास नहीं है तो आप गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। अब खेसारी लाल वहाँ कितना रूम लिए होंगे वो तो नहीं कह सकती, पर अगर उन्होंने दो रूम लिए होंगे तो उनको डेली का 20,000 रुपया देना पड़ता होगा, और खेसारी लाल वहाँ कम से कम 10 दिन से रुके हैं। लंदन में दो रूम लेकर 10 दिन अगर आप सब रुकते हैं तो आपको लगभग 2,00,000 रुपया खर्चा हो जाएगा 10 दिन का लंदन में दो रूम का किराया, जो कि खेसारी लाल को भी हुआ होगा। शायद उनका 2,00,000 से भी ज्यादा खर्चा हुआ होगा, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा ही वो रह रहे हैं लंदन में और पूरे परिवार के साथ। दोस्तों बात करें घूमने फिरने का, शॉपिंग करने का, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग वहाँ पर कितना शॉपिंग करते हैं, क्या क्या खरीदते हैं, क्या क्या खाते हैं, वो तो अलग से खर्चा होगा। और खेसारी लाल यादव का भी, वो अपने परिवार के साथ कितना घूम रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना शॉपिंग कर रहे हैं, वो भी उन पर ही डिपेंड होगा, वो मैं आपको क्लियर करके नहीं बता सकती। दोस्तों खेसारी लाल यादव के लंदन घूमने का पूरे खर्चे की बात करें तो वो तो क्लियर तो नहीं है, पर हाँ वो अभी भी लंदन में एंजॉय कर रहे हैं, और वो कम से कम 15-20 लाख का बजट बना के लंदन गए हैं अपने परिवार के साथ घूमने के लिए, जो कि खेसारी लाल यादव के लिए बहुत ही आम रकम है, और आम पब्लिक के लिए वो बहुत बड़ी रकम है। दोस्तों टिकट का खर्चा, लंदन के रूम का खर्चा, वो सब मैंने आपको गूगल पे सर्च करके आप सबको बताया है। अगर आप सब भी चाहें तो सर्च करके पता कर सकते हैं, ये बात 100% सच है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।